बताया गया 1990 में। अब वो यहाँ से मंडल लोग वहाँ से बहुत अच्छा मान रहे हैं कि यहाँ से हम जाके दोबारा कश्मीर में बसेंगे जा करके। तो उसी तरह से सारे हमारा श्री राम मंदिर बनवाया है और बहुत सारे काम करे हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। GST लगाया है जो कि एक भारत में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और मोदी बहुत अच्छा करेंगे। इसके सब मेरी रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप किसको वोट देने जा रहे हैं बीजेपी को? क्यों भाई, इस मुद्दे को लेकर कैसे देखते हो? हर चीज़ में विकास नहीं हो रहा है मोदी जी से, यहीं पर रहते हैं, अशोकनगर में ही रहता है। इसके पहले जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ। आते हैं नहीं क्षेत्र में भी नहीं आते, हमने देखा ही नहीं उनको कैसे हैं। चलिए बिल्कुल, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं न्यू B1 ब्लॉक में रहता हूँ जहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है। हम हिंदुत्व के नाम पे देंगे, अगर हिंदू को रहना है तो मोदी जी को वोट देना है, नहीं तो हिंदुस्तान से ही हटाने पे लगे हुए हैं। तो हम हिंदू के नाते वोट देते आ रहे हैं और देंगे। जी सर, आप जी गोयल। अच्छा, और मैं BJP से जुड़ा हुआ हूँ से ही, बचपन से मैं 10 साल से RSS में भी रहता हूँ। लेकिन हमारा जो जब 1947 बना, जब उनके आधार पे देश बंटवारा हुआ तो फिर हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने वो दिखाई अपने ही वोट देने चाहिए। और अब चुनाव हो रहा है MLA का, तो त्रिनवैद जी खड़ी हुई हैं हमारे त्रिलोकपुरी क्षेत्र से, तो उनके कामों को देखा जाएगा। स्टेट में काम देखे जाते हैं, देश में देश का वर्चस्व देखा जाता है। तो इसमें हम अगर अच्छे वोट देते हैं, हमने उनके फ्री में उन्होंने बिजली दी, फ्री में पानी दिया, क्या मतलब वो टैक्स के पैसे हैं, हमारे ही पैसा है ना। अगर इन्होंने काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने कॉलोनियाँ पास करवाई, तो कितने अच्छे अच्छे काम हैं। एक टाइटल बड़ा है या फ्री पानी और बिजली, और जो ये सबूफे दिखा रहे हैं, जो स्कूलों पे पेंट करके दिखा रहे हैं कली।